From yesterday task sheet, only one student, Gauri, has asked the doubt. Gauri, आपने वो क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या किया उसको टर्मिनल विंडो के पे भी करके दिखाया था आपको, एंड यहाँ पे मैंने थोनी में भी किया हुआ है. तो एक्स जो है देख लो यहाँ पे फाइव है, वाई जो है हेलो है. तो इन दोनों को अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैंने क्या किया, प्रिंट स्ट्रिंग ब्रैकेट में फाइव लिखा मैंने. लेट मी चेक विद एक्स हो रहा है कि नहीं, हो रहा है. सो फाइव को जो एक्स पे स्टोर है उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग एक्स लिखा एंड प्लस वाई विथ प्रिंट. कोई इधर दैट कॉलन या कुछ डबल एपोस्ट्रोफी ऐसा कुछ डाला नहीं है, अंदर में कुछ भी नहीं है, प्रिंट में डायरेक्टली ऐसा लिखा है. तो वो आ गया है, आपको आउटपुट विंडो में दिख रहा है फाइव हेलो. यही चीज मैंने कल आपको टर्मिनल विंडो पे करके दिखाया था. क्लियर है अभी? यस सर. ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे थे? सर मैंने तो ऐसे डाला था नहीं, लेकिन मैं भी फिर से चेक करती हूँ अगर होता हो. ठीक ठीक ठीक, इसका फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट. यस सर. We'll start with the next task sheet. We are supposed to start with task sheet 3, but I will take the task sheet 3 at the end of the session, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. We'll start with task sheet 4. That is Python programming strings. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. The thing is, आप पाइथन में ऐसे हेलो लिखो या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप हेलो लिखो या सिंगल में लिखो, एक ही बात है. ठीक है, प्रिंट ऐसे लिखा, आउटपुट आ रहा है. ठीक है, वो पहली चीज है. हम लोग इस टास्क शीट में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी एक वेरिएबल लेता हूं मैं ए, इसमें मैं रीड करके नहीं आपको करके दिखाता हूं डायरेक्टली. ए है, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया. क्या स्टोर किया? टेक फियोनिक्स, इस वजह से. ठीक है, तो अभी इसने क्या, ए की जगह ए वेरिएबल में मैंने टेक फिनिक्स स्टोर किया मैंने. अभी मुझे एक पोजीशन पता करनी है कि ई अल्फाबेट जो है उसमें उसकी पोजीशन क्या है. मतलब मुझे ये देखना है कि मैं प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन दूंगा तो वन पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है वो मुझे बताएगा. वो ई है, ठीक है. वैसे ही अगर मैंने थ्री किया तो एच है. अभी क्या होता है देखो, इट स्टार्ट्स हाउ इट काउंट्स. तो ये टी का पोजीशन है वो जीरो है, ई का पोजीशन वन है, सी का पोजीशन टू है, एच का पोजीशन थ्री है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपको किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट का अगर पोजीशन फाइंड आउट करना है तो आप एक स्ट्रिंग में से या एक सेट ऑफ कैरेक्टर में से, कैरेक्टर का अगर आपको पोजीशन पता करना है
तो आप इस वे से पता कर सकते हो कैसे, क्या प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ए जो भी उसने वेरिएबल का नाम हो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन डाल दो तो वो पोजीशन का आपको जो कैरेक्टर है बता देगा आउटपुट पे। एक और दूसरा वे है इसमें, दूसरा वे मतलब कि मैं क्या करता हूँ, 3 पोजीशन से लेके 7 पोजीशन तक का मैं पता करना है। तो 3 मतलब क्या हो गया, पी इज 0, ई इज 1, सी इज 2, एच इज 3। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एच, बाद में पी 4, एच 5, ई 6, ओ 7। सो एच पी एच ई 7 तक वो बता रहे हैं, मतलब 3, 4, 5, 6। मतलब जब अगर हम लोग 7 डालते हैं तो एक कम दिखाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, लास्ट में एक कम दिखाता है, 6 पोजीशन तक वो दिखाता है। तो E is 0, E is 1, H is 2, sorry, C is 2, H is 3, P is 4, H is 5 and E is 6, O is 7, तो O नहीं ले रहा है। मतलब आप जब 3 is 2, 7 करते हो तो 7 का मतलब 6 तक ही लेता है वो। तो इस वजह से आप सेट ऑफ कैरेक्टर को भी आउटपुट पे शो कर सकते हो। यहाँ पे उसमें कमेंट में दिया हुआ है, सब स्ट्रिंग सेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 3 टू पोजीशन 7 नॉट इंक्लूडेड, मतलब पोजीशन 7 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, अगर स्टार्टिंग में किसी स्ट्रिंग के स्पेस है, वाइट स्पेस है, या एंड में वाइट स्पेस है, तो उसको कैसे रिमूव करेगा। सपोज मैंने एक अल्फाबेट लिया ए, एक वेरिएबल लिया ए, उसमें स्पेस पे के बाद में मैंने लिखा टेक एफियोनिक्स। ठीक है, मैंने एंटर दिया। ठीक है, अभी मैं अगर प्रिंट ए दे रहा हूँ तो वो स्टार्टिंग में देखो स्पेस छोड़ रहा है वहां पे, स्पेस छोड़ रहा है वहां पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है मैंने। प्रिंट ए डॉट, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो कहीं पे भी व्हाइट स्पेस होगा, अगर बाद में भी मैंने एक व्हाइट स्पेस लिखा है या पहले भी व्हाइट स्पेस दिया है तो सब रिमूव कर देगा, खाली जो स्ट्रिंग है वो दिखाएगा उसके अंदर। तो उसके लिए क्या कोड है, सिंटैक्स है प्रिंट ए डॉट स्ट्रिप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो अगर मैंने फिनिक्स के स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस ना दे के लास्ट में व्हाइट स्पेस दिया होता, ऐसा एंटर किया, तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि वो एज इट इज आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर व्हाइट स्ट्रिप, यहाँ पे व्हाइट स्पेस होगा भी तो लास्ट में है, तो पूरा का पूरा जो स्पेस है वो दिखता नहीं है उसके अंदर। बट हाँ, स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने स्पेस दिया हुआ है तो दिखता है आपको, इसीलिए वो यहाँ पे अगर आपने हटाया है स्ट्रिप कमांड देके तो वो समझ में आता है। बट बाद में अगर आप स्पेस देते हो तो स्ट्रिप कमांड पे समझ में नहीं आता, बट वो रिमूव कर रहा है, तो आप व्हाइट स्पेस दे रहे हो तो रिमूव कर रहे हैं। अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो है len ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इसके अंदर कितने सब स्ट्रिंग्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो उसकी लेंथ, तो उसने स्ट्रिंग की लेंथ बता दी उसने कितनी, 11 है। ठीक है, पोजीशन कैसे स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने हैं उसमें, 11। ठीक है, अभी सपोज मैंने कैप्स में लिखा टेक फिनिक्स। ठीक है, प्रिंट
a dot lower, या तो क्या करेगा वो उसको अपर से लोअर अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैंने ए को ऐसा लिखा होता, ए की यूनिक्स तो इसके अंदर ए की टी कैपिटल है, बट उसके बावजूद भी वो वर्क करेगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है। इसी वजह से अभी फिलहाल ए वेरिएबल में क्या स्टोर है, टेक फिनिक्स। अगर मैं अपर करूं अपर तो क्या होगा, तो उसने सारे इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सोसाइटी में थोड़ा सा डॉग्स ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि व्हाट इज ए, ए इज टेक फिनिक्स, इसमें जो अल्फाबेट पी है, इज द स्क्रीन क्लियरली विजिबल टू यू? यस सर। टी है उसको मुझे सपोज क्यू से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट ए डॉट रिप्लेस टी क्यू, ठीक है। टेक फिनिक्स जो था वो क्विक फिनिक्स हो गया, टी जो है क्यू से रिप्लेस हो गया। कैसे किया हम लोगों ने, तो जो वेरिएबल में स्टोर किया है वो वेरिएबल ए प्रिंट के साथ, प्रिंट ब्रैकेट ए डॉट रिप्लेस ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो अल्फाबेट एंड कॉमा जिससे उसको रिप्लेस करना है वो, ठीक है। अभी दूसरा क्या है कि अगर मेरे पास एक कॉमा एक कॉमा फिनिक्स है, इसको मुझे दो अलग अलग इसमें लिखने हैं। अगर मैं अभी फिलहाल प्रिंट करता हूं तो जो यहाँ पे था एज इट इज आ गया है, इस वजह से लिखना है। स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग इफ इट फाइंड्स इंस्टेंस ऑफ द सेपरेटर, जहां पे भी सेपरेटर दिखेगा उसके वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसको वहां पे स्प्लिट कर देगा। क्या लिखेंगे उसके लिए, प्रिंट ए कॉमा स्प्लिट उसने फिर क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने टेक को के अलग से सिंगल कोट में नहीं लिखा था, फिनिक्स को अलग कोट में नहीं लिखा था, बट उसने अपने हिसाब से उसने यहाँ पे देखा एक सेपरेटर देखा उसने यहाँ पे, तो समझ गया, तो उसके हिसाब से टेक को उसने अलग कर दिया और फिनिक्स को उसने अलग कर दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टास्क शीट नंबर 4। आई विल अगेन रिपीट, इट इज अबाउट स्ट्रिंग। String means set of characters, you can say set of alphabets, इसमें number भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी string के अंदर हमें किसी character के position पता करना है तो print देके उस variable के साथ square bracket में उसके position डालो, तो वहाँ पे जो भी character है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर sequence of आपको character देखना है तो 3:7 जैसे लिखा हुआ है, जिसमें कि 7 जो होगा वो position hide रहेगी, मतलब 6 तक ही show करेगा। बाद में अगर आपको कोई वाइट स्पेस रिमूव करना है स्टार्टिंग या एंड में, तो आपको स्ट्रिप कोड है ए डॉट स्ट्रिप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर लेंथ पता करनी है किसी स्ट्रिंग की तो उसके लिए है लेंथ
ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम जिसमें आपने इसको स्टोर किया विद प्रिंट कमांड, क्योंकि आउटपुट शो करने के लिए आपको प्रिंट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। बाद में अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो ए डॉट लोअर प्रिंट के साथ, अपर में कन्वर्ट करना है तो ए डॉट अपर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज प्रिंट के अंदर। किसी अल्फाबेट को रिप्लेस करना है तो ए डॉट रिप्लेस आएगा, और अगर स्प्लिट करना है तो उधर एक सेपरेटर डाल दो कहीं पे भी तो समझ जाएगा कि स्प्लिट करना है। उसके अलावा आपने प्रिंट के साथ ए डॉट स्प्लिट, ए मीन्स वेरिएबल जिसमें स्टोर किया आपने वो, और स्प्लिट लिखा इस वे से तो वो उसको स्प्लिट करके आपको शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू सॉफ्ट कंप्यूटर्स है, तो यहाँ पे न्यू सॉफ्ट और कंप्यूटर्स इस वजह से उसने डिवाइड किया, जैसे ही उसने देखा यहाँ पे सेपरेटर है कॉमा है तो। About task sheet 4. Let's move to next task sheet number 5. थोड़ा बड़ा task sheet है but easy है. It is about Python operators. Python operators. क्या है ये? Operators are used to perform operations on variables and values. Operators को क्यों use करते हैं हम लोग? ताकि various operations perform कर पाए. किस पे? Variables पे and values पे. What is variable? अगर x is equal to 5 लिखा है मैंने, x is equal to 5, तो x जो हो गया variable हो गया, 5 जो है value है, ठीक है? So Python में कौन कौन से operators होते हैं? तो Python में arithmetic operator होता है, assignment operator होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है एंड बिटवाइज ऑपरेटर होता है। सो ये सारे ऑपरेटर को वो सपोर्ट करता है पाइथन। हम लोग एक एक ऑपरेटर को देखने वाले हैं अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो द नेक्स्ट इज पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used with numeric values to perform common mathematical operations. तो ये सब आपने day to day life में जो calculations करते हो उसमें use करते ही हो, खाली एक जो है वो अलग है बताता हूँ मैं। जैसे कि ये सारे operators आप लोग screen पे देख रहे हो अभी, तो plus जो होता है operator that is addition, कैसे use करते हैं? तो x plus y। यहाँ पे जो operator minus दिख रहा है that is subtraction, कैसे use करेंगे? x minus y। ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन वाला है तो उसको कैसे यूज करेंगे? x into y। डिवीजन का जो है डिवीजन होगा x डिवीजन y। ये परसेंटेज का जो साइन है दैट इंडिकेट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मींस x मॉड्यूलो y। मतलब क्या होता है ये मॉड्यूलो? मतलब अब बताता हूं मैं आगे जाके। देन डबल परसेंटेज, डबल मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल मल्टीप्लीकेशन? दिस इज समथिंग यूनिक। अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, सो 3 रेस टू 2 करने के लिए हम लोग डबल मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। 3 रेस टू 4 करना है सो 3 डबल मल्टीप्लीकेशन साइन 4, एंड दैट इज ऑल्सो वर्क फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। What is this double slash? Double slash is floor division. Floor division क्या होता है? So 3 divided by 2 किया, तो आंसर क्या आता है? 1.5 में अगर आपने double invert double slash डाला हुआ है, तो output पे 1 दिखाएगा आपको खाली। So what is 1? 1 is I guess quotient. Yes. 2 1 2. ठीक है ना? तो 2 1 2 मतलब 1 जो रहता है आपका, 1.5 जो आता है तो उसमें 1 ही वो शो करेगा अगर आपने डबल स्लैश डाला तो। दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर डिवीजन। वी विल सी दैट, एक एक केस में आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ यहाँ पे। ये जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, x इज इक्वल टू 3, y is equal to 2,
ठीक है, अभी देखो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, प्रिंट x प्लस वाई तो क्या आ गया आएगा 5. तो जब आउटपुट पे आपको 5 दिखता है तो समझ में नहीं आता क्या हुआ है, तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ आ जाए अभी क्लियर हो जाता वहां पे कि x प्लस वाई 5 आया है. ठीक है, तो क्या किया हमने, प्रिंट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा, बाद में कॉमा x प्लस वाई. तो ये जो x प्लस वाई यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, ये जहाँ पे मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, दिस x प्लस वाई मीन्स उसको परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करना है. ठीक है, और जो इस सिंगल कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो जो रहता है, वो रहता है आपका कि उसमें मैं एक्स वाई जेड ई क्यू आर बफेलो कुछ भी डालूंगा, वो एज इट इज उसको यहाँ पे छाप देगा. वो जैसे प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखते हैं तो उसको मतलब नहीं है उसको कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज आउटपुट पे शो करेगा. तो वैसे ये एक्स प्लस वाई जो है इज इक्वल टू, जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एज इट इज आउटपुट पे शो करेगा. परफॉर्म क्या करना है उसको, वो ये डिसाइड करता है. तो उसको यहाँ पे अर्थमेटिक कौन सा एडिशन ऑपरेट और एडिशन परफॉर्म करना है, किसका एडिशन परफॉर्म करना है, x प्लस वाई का. तो x क्या है हमारा 3 है जो ऊपर एक बार डिफाइन किया है, ये वैसा ही रखेंगे रहता है जब तक आप कोई नई वैल्यू मतलब मैंने अभी y इज इक्वल टू 3 ले लिया तो y इज इक्वल टू 2 जो है बाई डिफॉल्ट चला जाएगा, खाली y इज इक्वल टू 3 ही रह जाएगा. ठीक है, तो x is equal to 3 and y is equal to 2 लेके हम लोग आगे तक जाने वाले हैं, ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑपरेटर एक्सप्लेन करने के लिए, जितने भी ऑपरेटर्स अभी मैंने आपको ऊपर में बताए. ठीक है, तो एक हो गया प्लस का, वैसे ही अगर मुझे माइनस का करना है तो x माइनस वाई is equal to 1. कैसे आया, 3 माइनस 2 is equal to 1. अभी ये तीसरा कौन सा है बताओ, क्या करने वाला हूं मैं अभी, प्रिंट ब्रैकेट में x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉमा x इंटू वाई, क्या आएगा आउटपुट पे बताओ मेरे को, 6. एनीबडी एल्स एग्जैक्टली आउटपुट क्या शो होगा, 6. और कोई, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6. x into y is equal to 6. ठीक है, अभी मैंने ये जो दिया है ये डिवीजन का दिया, तो 3 डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 1.5. ठीक है, अभी देखो डबल फ्लोर डिवीजन करते हैं, 1 आया, मतलब खाली ये वाला पार्ट शो करता है, पॉइंट वाला पार्ट शो नहीं करेगा. ठीक है, अभी x क्या है हमारा 3 है और y इज इक्वल टू 2 है, आया 9. कैसे आया, x is 3, उसका स्क्वायर किया तो 3 जा 9. सो बेसिकली डबल स्टार और मल्टीप्लीकेशन दिस इज यूज फॉर रेस टू. यस, आई विल टेक वन अनदर वैल्यू, x is equal to say 5, y is equal to say 2,
ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इफ आई विल राइट दिस. क्या आंसर आना चाहिए? 2.5. नो. टू सर. टू 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 आया. डबल है ठीक है. टू आया. ये मैंने वैल्यू क्यों अलग लिया बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ. अगर मैंने मॉडुलो साइन लिया वन आया. क्यों? व्हाट इज वन? अगर मैं फाइव को टू से डिवाइड करता हूं तो वन क्या है? रिमाइंडर है. तो जब आप मॉड्यूलो साइन यूज करते हो तो खाली आपको रिमाइंडर मिलता है. जब आपको रिमाइंडर चाहिए आउटपुट पे तो आप ये यूज करते हो. कहाँ पे यूज होगा इस सब का? तो जब आप प्रोग्राम लिखोगे किस चीज का, टू फाइंड आउट द हार्मस्ट्रॉन्ग नंबर और रिवर्स ऑफ ए नंबर और सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर. मतलब सपोज मैंने नंबर लिया 15, मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए? तो मैं प्रोग्राम क्या करेगा, 1+5+3 करके देगा. बट वो नंबर हमें पहले से डिफाइन नहीं करना है. मतलब हर केस में हर बार जब मैं रन करूंगा तो अलग अलग वैल्यू दूंगा. सपोज मैंने 83 नंबर डाला तो वो मुझे आउटपुट पे 11 दे देगा. तो इस वजह से अगर जब प्रोग्राम करते हैं हम लोग तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है. तो वहाँ पे बेसिकली मॉड्यूलो का यूज आएगा हमें. ठीक है. तो ये जितने भी हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे वो हम लोगों ने देख लिए. ठीक है. तो दीज आर द वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मॉड्यूलो, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिविजन. एक्सपोनेंशियल मीन्स इट इज ऑल्सो रेज टू वीकल से. नेक्स्ट इज Python assignment operator. What is the meaning of assignment operator? Assignment operator are used to assign values to variables. So, इसमें देखो operator कौन कौन सा है. एक equal to का operator है. तो ये क्या करता है? Example के लिए x is equal to 5 किया तो ये असाइन करेगा 5 जो वैल्यू है उसको x वेरिएबल के अंदर. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू. तो इसका फंक्शन क्या है? सेम एज x इज इक्वल टू 5. दूसरा क्या है? प्लस इज इक्वल टू. इसका मतलब क्या होता है? x प्लस इज इक्वल टू 3. x प्लस इज इक्वल टू 3. ये क्या करेगा? तो ये करता है x इज इक्वल टू x प्लस 3. तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? x प्लस इज इक्वल टू 3. मतलब पहले अगर आपने x की वैल्यू 2 डिफाइन की हुई है तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा x का? 5. तो आपको x इज इक्वल टू x प्लस 3 लिखने की जगह पे आप x प्लस इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं. शायद से आपने कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूज किया होगा तो उसमें भी आपने शायद से प्रोग्रामिंग की है तो आपने उसमें ये सब यूज किए होंगे. नेक्स्ट इज माइनस इक्वल टू. तो सपोज x माइनस इज इक्वल टू 3 लिखा तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू x माइनस 3. x इज इक्वल टू x माइनस 3. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू. तो सेम क्या होगा? x इंटू इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू x इंटू 3. डिविजन इक्वल टू. डिविजन इक्वल टू क्या? x डिविजन इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू x डिविजन 3. x डिवीजन इक्वल टू 3. सो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x डिवीजन 3. ठीक है. मॉडुलो इक्वल टू. सो x मॉडुलो इक्वल टू 3. ये क्या करेगा? x इज इक्वल टू x मॉडुलो 3. सो सारे जो है आपको समझ में आ रहे हैं. मतलब बेसिकली एक वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते समय नहीं लिखेंगे तो भी, इस वजह से लिखेंगे तो भी चलेगा. बेसिकली हम लोग यूजुअल कैलकुलेशन में ये करते हैं. आप पाइथन में ऐसा करोगे तो भी इट विल परफॉर्म द सेम फंक्शन, सेम वर्क. इट विल डू सेम वर्क. ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा. बट हम लोग जब भी कोई कोड लिखते हैं तो इट शुड बी लाइक इफिशियंट
शॉर्ट, ठीक है। तो एक एक चीज मैटर करती है उसके अंदर। किसी ने अगर 500 लाइन का कोड लिखा है और किसी ने उसको 300 लाइन में करके दिया है, सेम परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली 300 लाइन वाला प्रिफर किया जाता है। तो क्या होता है, तो उसमें छोटी छोटी चीजें मायने करती है आपको, ठीक है। आप एक प्रोग्राम लिखते हो, उसमें आपने लूप यूज किया है, फॉर उसके अंदर एक और फॉर, उसके अंदर इफ एल्स यूज किया है, तो आप सीधा सीधा लाइन के एक के नीचे लाइन, एक के नीचे लाइन सीधा लिखते जाओ आप, ठीक है। और एक बंदे ने क्या किया, उसमें इंटेंडेशन भी दी हुई, बताऊंगा मैं आपको। तो जो देखने वाला, जब जिसको समझ है, वो देख के समझ में आ जाएगा कि इसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, क्योंकि उसने उस वजह से सजा के लिखा हुआ है उसको। तो वैसे ही अगर आप इस वजह से लिखते हो तो भी वो सेम ही है, बट आप इस वजह से लिखोगे तो इट मेक्स द डिफरेंस सामने वाले को दिखने में भी, और चीजें छोटी होती जाती है लाइन्स। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू x को असाइन हो जाएगी। मतलब कंपैरिजन के लिए हम लोग ये करते हैं कि सॉरी असाइन नहीं होगी, वो कंपेयर करेगा x इक्वल टू y है क्या। मतलब जब मैं इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, असाइनमेंट के लिए हम लोग डायरेक्टली x इज इक्वल टू 5 यूज करते हैं, कंपैरिजन में क्या करेंगे हम लोग, इफ के अंदर x इज इक्वल टू y, मतलब ऐसा लिखेंगे और नीचे फिर लिखेंगे प्रिंट इट इज ट्रू। तो x और y की जो वैल्यू होगी वो कंपेयर करेगा, अगर वो सेम है तो वो प्रिंट करेगा इट इज ट्रू, एल्स प्रिंट इट इज फॉल्स, तो फॉल्स करेगा। तो उस केस में कंपेयर करने के लिए हम लोग x इज इक्वल टू y यूज करते हैं। नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू मतलब x इज नॉट इक्वल टू y, तो नॉट इक्वल टू परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। मतलब क्या हो गया, x 3 लिखा, y 2 लिखा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, print x is not equal to y, else print x is equal to y, तो क्या करेगा, चेक करेगा कि x is equal to y है कि नहीं, और उसके हिसाब से आउटपुट शो करेगा। ग्रेटर देन का साइन जो होता है ग्रेटर देन शो करता है, कैसे लिखेंगे, x greater than y, smaller than का less than का x less than y, greater than or equal to कैसे होगा, x greater than equal to y, less than equal to कैसा होता है, x is less than equal to y। Now I'll take two variables to show you what we have discussed just now. X is equal to 10 liya, y is equal to 12 liya. Fir क्या हो जाएगा, दो वैल्यू डिफाइन हो गई x की y की। अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, ये खाली वहां पे शो करने के लिए, इज भी उसमें डाल दिया, x इज ऐसा, तो ये x जो है 10 है, y जो है 12 है, तो x is greater than y, no, तो क्या लिखा उसने, ये जो था हमारा x is greater than y is, ये as it is यहाँ पे आउटपुट पे आया, और ये उसने कंपेयर किया और आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स में शो किया उसने, तो ये फॉल्स है। दूसरा वे क्या है, x is less than y, तो x is 10, y is 12. So x is less than y is true. Because x 10 है, y 12 है, तो true है. तो ये false and true, इसमें output show करता है वो.
x is not equal to y is. So yes, x is not equal to y because x is 10, y is 12. So x is not equal to y is true. X is not equal to y is true. Sorry, x is less than equal to y is true. मतलब इसमें क्या करेगा? या तो x less than होना चाहिए या तो x is equal to y होना चाहिए. तो x is less than y है, तो true बताया उसने. ठीक है, इसी वजह से अगर मैंने ऐसा डाला होता, x is greater than equal to y, so is false. Python logical operators. Logical operator means and, or, not. These are logical operators. Logical operators are used to combine conditional statements. What is the meaning of this? So and operator jo hai, अगर सपोज मैंने ऐसा लिखा है x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, मतलब क्या, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, वो ट्रू करेगा. जैसे कि इस केस में उसने ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न किया, वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर में भी वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है वो. तो अगर मैंने x 7 लिया सपोज, सो x इज लेस देन 10 दैट इज ट्रू, बट x इज नॉट लेस देन 5 because x is greater than 5, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा वो. इसी वजह से और है. और का मतलब क्या होता है कि x is less than 5 और x is less than 4. मतलब क्या हो गया कि अगर x less than 5 है या तो ये ट्रू होगा, या x less than 4 है ये ट्रू होगा, या दोनों भी ट्रू हो गए तो भी वो ट्रू परफॉर्म ट्रू देगा आउटपुट पे, अदरवाइज फॉल्स देगा. मतलब दोनों अगर रॉन्ग हो गए, दोनों फॉल्स हो गए, तब वो फॉल्स देगा. ठीक है, तीसरा क्या है, नॉट. नॉट क्या है, देखो आप हमारे अंदर का स्टेटमेंट क्या है, x is less than 5 and x is less than 10. मतलब क्या हो गया, अगर मान लो ये वाला ट्रू हो जाता है, ये वाला ट्रू मतलब जो ऊपर वाला है हमारा, जैसा था वैसा का वैसा ही है इसमें, एंड है इसमें, तो ये अगर ट्रू हो गया, मतलब ये भी ट्रू हो गया, x is less than 5 and x is less than 10, तो दोनों ट्रू हो गए, मतलब ये अंदर वाला ट्रू हो गया. नॉट ट्रू, ट्रू का नॉट मतलब फॉल्स. अगर इन दोनों में से x is less than 5 and x is less than 10, इसमें से एक भी false हो गया, तो by default अंदर वाला जो है false हो गया. तो not false, not false मतलब true. तो यहाँ पे जो not operator उसे क्या लिखा है इसने, reverse the result, returns the false if the result is true. अगर इसके अंदर का result true है तो output पे return क्या करेगा, false return करेगा, and vice versa. ये सारी चीजें आपको मालूम है, it's everything you know. Somewhere, somehow you have studied, maybe in digital electronics, maybe in other programming language. But थोड़ा सा हम लोग revision के तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े फार changes दिखते होंगे आपको. अभी देखो, जैसे कि मैंने एक चीज लिया, x is equal to true. y is equal to false. Print x and y, x and y. अभी मुझे बताओ, x true है, y false है. मैं क्या perform करने की कोशिश कर रहा हूँ, x and y. x and y जो होगा ये true कब देगा output पे, जब x भी मेरा true होगा और y भी true होगा. But मैं y को क्या define कर रहा हूँ, false define कर रहा हूँ. तो by default ये जो है false हो जाता है मेरा. तो मुझे output पे क्या मिलेगा, x and y, x and y is false. ठीक है, अगर मैंने यहां पे और डाल दिया,
Sahil, can you tell me what will be the output? Sir, true. True आएगा, but पूरा output क्या आएगा? X or Y is true. X or Y is true. True. Okay? So इस वजह से it will keep on showing you the result. अभी देखो. Not Y. Not Y is. Y क्या है हमारा? What is Y? False. Y is false. So not Y is what? Not Y is true. Not Y is true. ठीक है? Next is Python identity operators. Identity operators are used to compare the objects, not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location. जैसे कि इसको मैं perform करा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा. मैंने क्या किया? एक variable लिया हुआ है. X1 is equal to 5. Y1 is equal to 5. दूसरा वेरिएबल लिया X2, that is equal to hello, and Y2 is equal to hello. Print X1 is not Y1. X1 is not Y1. तो क्या आएगा आउटपुट देखो. फॉल्स. अगर मैंने ऐसा लिखा x1 is y1 तो क्या आएगा? ट्रू. क्योंकि यहां पे दोनों x1 is y1, जो x1 है वही y1 है. चलो ये थोड़ा सा वो आप बोलोगे सर हम लोग x1 is equal to y1 करके भी कर सकते थे, is equal to ऐसा. ठीक है, अभी देखो यहां पे मैंने स्ट्रिंग लिया है हेलो हेलो. अभी मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं आगे आएगा वो. ठीक है, वो उसमें इसमें नहीं आएगा, वो आगे आते दिखाता हूं मैं आपको. इसमें ट्राई करें क्या. प्रिंट एच इज इन इज इन नहीं आ गया. X2 गलत है. नहीं, ओके. फाइल से राइट लाइक दिस हेलो इज नहीं. ठीक है, ये वर्क करना चाहिए क्यों नहीं कर रहा है. ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हम लोग, देन वी विल सी क्या है. सर ट्रू दिया है, नेगेटिव वार्निंग दिया है. क्या है कहां पे वर्क कर रहा है सर? हां इज, लेकिन उसके लिए हमारे पास दूसरा है, उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर है. अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर है. देखो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर में इन एंड नॉट इन मतलब क्या करेगा कि सपोज मैंने एक वेरिएबल है एक्स, उसको लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड. तो हेलो में ये जो कैरेक्टर्स है एच ई एल एल ओ और वर्ल्ड, तो एच जो है वो एक्स में है क्या? तो एच इन एक्स तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा. या हेलो हेलो नॉट इन एक्स तो फॉल्स देगा, जबकि हेलो है इसके अंदर एक्स के अंदर. सो इस टाइप से कोई चीज को करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं. मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं? इन इज ए मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है, नॉट इन इज ए मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है, करके दिखाता हूं आपको. एक्स इज इक्वल टू
हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी प्रिंट, एच इन एक्स ट्रू, एच ई एल एल ओ हेलो इन एक्स ट्रू, हेलो इज सॉरी नॉट इन, नॉट इन एक्स फॉल्स, जबकि है वो, हेलो है इसलिए फॉल्स दिखा रहा है वो, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया, अच्छा नॉट इन मतलब जैसा का जैसा लिखा है, अगर कैप्स में लिखा है जो जो अल्फाबेट तो कैप्स में ही आएगा, कैरेक्टर जो है कैप्स में है तो कैप्स में आएगा, तो दैट इज ट्रू। मतलब यहाँ पे नॉट इन एक्स जबकि हेलो है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एच कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल लिखा है इसलिए वो नॉट इन एक्स को ट्रू दिखा रहे हो। पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर so python bitwise operators, bitwise operators are used to compare binary numbers। मतलब क्या कि and है, तो अगर suppose आपको and gate का मालूम ही है, वैसे भी अगर and gate को हम लोग 1 1 देते हैं तो output 1 होगा, तो वही यहाँ पे है, sets each bit to 1 if the both bits are 1, और के लिए हम लोग सिंबल जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। Set each bit to 1 if one of the two bits is 1 and XOR, XOR के लिए raise to का जो symbol है वो use करेंगे, sets each bit to 1 if only one of the two bits is 1, ठीक है। ये bitwise operator होता है, ये भी करके दिखाता हूँ मैं। Say if I take A is equal to 1, B is equal to 1, A and B क्या आया 1, A और B, आपको ये जो साइन है मिलेगा नहीं तो मैं बता देता हूँ, लैपटॉप में एंटर की जो होता है उसके ऊपर एक स्लैश है, उस स्लैश को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो आप देखोगे ऊपर में स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये स्लैश नहीं है, ये जो सिंबल है दिस नॉट स्लैश, दिस इज स्ट्रेट लाइन, सो विच इज अवेलेबल अबव द एंटर की ऑफ योर लैपटॉप। मेरे में तो वैसे अभी आपके में साइड से वही होगा मोस्टली, ठीक है। तो ए और बी, ए और बी इज व्हाट 1, मान लो मैंने बी की वैल्यू चेंज की, बी की वैल्यू 0 डाल दी, अभी ए एंड बी इज 0, व्हाट इज ए 1, ए और बी इज 1। इन द सेम वे यू कैन चेक फॉर XOR, ए 1, likewise, ठीक है। So these are the different operators, Python operators. I'll just revise in short. Operators are used to perform operations on variables and values. There are different operators that Python supports, like arithmetic, assignment, comparison, logical operators, identity operators, membership operators, and bitwise operators. मैं उल्टा रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको आगे वाले जो इजी है। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब एंड और एक्सऑर ऑपरेटर जो है उसको किससे इंडिकेट करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाद में कोई चीज, कोई कैरेक्टर उस लाइन में अवेलेबल है क्या नहीं, उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, उसके लिए इन यूज करते हैं, अगर है कि नहीं है तो नॉट इन। सो इन एंड नॉट इन आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर बोलेंगे इसको हम लोग, पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स, नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद सेम मेमोरी लोकेशन। सो वो सेम है कि नहीं उसके लिए हम लोग इज एंड इज नॉट यूज करते हैं, ठीक है, दे आर आइडेंटिटी ऑपरेटर। बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज लॉजिकल में क्या हो गया कि इसमें कंडीशंस को अगर चेक करनी है तो डायरेक्टली हम लोग एंड यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस वे से।
और वहां पे हमें बिटवाइज जाना है, मतलब a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू जीरो, तो उस वे से जाना है। इधर क्या है कि कंडीशन अगर हमें चेक करनी है तो हमें एंड और को यूज करना होता है। इज आर लॉजिकल, लॉजिकल मतलब ये ट्रू तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू, इसमें ये ट्रू तो भी ट्रू, तो लाइक वाइज वी आर यूजिंग दिस लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल चेक करता है। तो उसके लिए हम लोग दिस एंड और ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बाद में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू, जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू y और नॉट, x इज नॉट इक्वल टू y, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। Fine. And at last, second last is assignment operator. So 5 को assign करना है value x को, तो x is equal to 5 plus equal to, so x plus equal to 3, x minus equal to 3, x into equal to 3. So x into equal to 3 क्या indicate करता है? X is equal to x into 3. X is less than equal to 3 क्या indicate करता है? X is equal to x less than, ये division है, x division equal to 3 क्या indicate करता है? X is equal to x division 3. Likewise modulo double slash means floor division and double multiplication means raise to. These are assignment operators. Then arithmetic operators. So addition is one of the arithmetic operator, subtraction, multiplication, division, modulus, raise to, floor division. Fine. So these are the different Python operators. Today we have seen task sheet number 4 and 5. I hope it is clear to you. I'm sending you the attendance so you can mark your attendance. If somebody is having any doubt, please ask. No, sir, no doubt. आप लोग परफॉर्म करो इसको, किसी को पाइथन डाउनलोड करने में इश्यू आ रहा है क्या? इंस्टॉल करने में? नो सर। अटेंडेंस इसलिए ले रहा हूँ कि आगे सर्टिफिकेट देते समय मुझे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी पिछले समय स्टूडेंट्स जो थे कम थे, अभी ज़्यादा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से अटेंडेंस भी एक क्राइटेरिया रहेगा आपको मार्क्स देने के लिए। प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस।